हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब सही हो, फिट हो, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज जिस गाने में तुम्हारा भाई रिएक्ट कर रहा है, कम बैक टू बेड फ्रॉम द ईपी फॉरएवर फॉर ए व्हाइल, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिएक्टिंग टू वॉइड। तो वॉइड के जितने फैंस है सबको एक ही दरख्वास्त है, जो वो सब्सक्राइब वाली बटन है उसे दबा दो, ताकि वॉइड का जब गाना है तो तुम्हारा भाई उसका रिएक्शन लेके तुम्हारे पास आ जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा रिएक्शन के ऊपर कूदते हैं और देखते हैं कि भाई ने क्या गाना बनाया है। So let's start it, come on। अरे भाई साहब, वीडियोग्राफी एंड कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल यार। लिरिक्स पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई रैप सॉन्ग पे रिएक्ट कर रहा हूँ और लिरिक्स से पहले मेरा ध्यान गया वीडियोग्राफी पे। सो द वीडियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। तो शुरुआत से एक बार देखते हैं। रातों को कहती कम बैक टू बेड, सुबह वो कहती इट्स ऑल इन योर हेड, झूठ बोलना सीख लिया मैंने क्योंकि सबको कहता आई डोंट मिस यू एंड प्रिटेंड यू आर डेड। तू इस बिस्तर में नहीं, तू इस दिमाग में है, तू इस घर में नहीं, तू इस घर की राख में है, तू इस पल में नहीं, पूरी कायनात में है, दिल से बेदखल कर चुका फिर भी तू मेरे साथ में है, तुझे भुलाने दिल से बेदिखल कर बैठा फिर भी तू मेरे साथ में है। बार्स ब्रो, बार्स, दिल टूटा बार सही है। दिल से बेदखल कर चुका फिर भी तू मेरे साथ में है, मुझे भुलाने की कोशिश से थक गया, फोन अब उठा के कॉल करूं मेरा हक गया। फोन उठा के अब कॉल करूं मेरा हक गया, वो हक मुझ में नहीं रहा कि अब जब मेरा मन करे तुझे मैं कॉल कर सकूं। यार बार्स मैन, बार्स, वॉइड, कोशिश से थक गया, फोन अब उठा के कॉल करूं मेरा हक गया, पर्वत एक मैंने बनाया खुद अपने प्यार से, लेकिन साला खुद उसके नीचे क्यों मैं दब गया। ओ हो हो भाई, पर्वत मैंने बनाया खुद के प्यार से पर खुद उसके नीचे क्यों मैं दब गया। बार्स देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल बार्स हो रही है। जब भी वॉइड कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके करता है समथिंग अबाउट लव और हर्ट ब्रेक, नेक्स्ट लेवल होती है। मैंने हसल के स्टेज पे भी एक था जो काइंड ऑफ सॉन्ग, कौन से गाना का रिमिक्स बनाया था, बेख्याली, वो वाला सॉन्ग बहुत ज्यादा हिट हुआ था भाई, बहुत ज्यादा प्रेजेस मिले थे उसके लिए। और भाई यहाँ पे वापस काइंड ऑफ उसी काइंड ऑफ म्यूजिक बनाने, उसी टाइप का, एंड सी हिज राइटिंग हाउ, मतलब लिरिक्स देखो भाई की, लिरिक्स से ज्यादा बैकग्राउंड देखो, जो वीडियोग्राफी है, ऑल इन वन, दिस इज अ पैकेज मैन। मैंने बनाया खुद अपने प्यार से, लेकिन साला खुद उसके नीचे क्यों मैं दब गया, ये दिल रिहैब में था बट इट रिलैप्स, ओह ये दिल रिहैब में था बट इट रिलैप्स्ड। भाई द वे ही ब्लेंड हिंदी एंड इंग्लिश, मजा आ जाता है यार लिरिक्स में अपने जैसे दोनों भाषाओं को कैसे ब्लेंड करता है ये बंदा, सुन के मतलब मजा आ जाता है। ये दिल रिहैब में था बट इट रिलैप्स्ड, आई एम सो लॉस्ट हाउ द फक कैन आई रिलैक्स, सुबह मैं जागू किसी लड़की के बगल में जिसका नाम तक ना जानू, नाउ व्हाट द फक इज दैट। हार्ड मैन, हार्ड, ऐसा दिन आ गया, ऐसा टाइम चल रहा है, मैं किसी और के साथ सुबह उठ रहा हूँ बट उसका नाम तक मुझे नहीं पता, सी हाउ बैड आई एम सफरिंग मैन, जिसका नाम तक ना जानू, नाउ व्हाट द फक इज दैट, कभी मैं सोचूं लाइफ होती मैन इन ब्लैक, विल स्मिथ, मेरी मेमोरीज बिटा दे जस्ट लाइक दैट। रेफरेंस मैन, रेफरेंस, मैन इन ब्लैक, सब लोगों ने देखी है मैन इन ब्लैक, तो उसमें एक गैजेट रहता है जो मारता है, स्प्लैश आता है, सब भूल जाते हैं क्या हुआ, तो उसी की बातें हो रही है ब्रो। हार्ड होती मैन इन ब्लैक, विल स्मिथ, मेरी मेमोरीज बिटा दे जस्ट लाइक दैट, मैनियक बना पड़ा क्योंकि तेरे बिन अधूरा, दुनिया के सामने मैं हंसू, लुक्स लाइक आई डोंट डू एक्ट, ओहो दुनिया के सामने मैं हंसू, इट्स लुक लाइक व्हाट, व्हाट वाज द वर्ड, I was about to act something like that. तेरे बिन अधूरा, दुनिया के सामने मैं हंसूं, looks like I learned to act. ये जो मैं हंस रहा हूँ लोगों के सामने, मैं खुश दिखा रहा हूँ, ऐसा देख के लग रहा है I have learned to act. Yes man, heartbroken stories. नहीं आई तू मुझे थामने, तेरे बिन मेरा दिल लगा कांपने, जैसे डस लिया मुझे किसी सांपने, मीलों की ये दूरी फिर भी तू है मेरे सामने, कि ये दूरी फिर भी तू है मेरे सामने, मींस तू मेरे इमेजिनेशन में है, तू मेरे दिल में है, तू मेरे दिमाग में है, वी आर मतलब डिस्टेंस अपार्ट बट स्टिल आई कैन फील यू इन फ्रंट ऑफ मी मैन, डीप लिरिक्स, डीप लिरिक्स।
और वो दरवाजे वाला जो सीन है काइंड ऑफ ऐसा ही लग रहा है कि दरवाजे में जब जा रहा है फ्रॉम द पास्ट टू फ्यूचर ट्रैवल कर रहा है, पुराने दिन याद कर रहा है, एक साइड गुड मेमोरीज दूसरे साइड बैड मेमोरीज, काइंड ऑफ दैट। मिलो की ये दूरी फिर भी तू है मेरे सामने। ओ हो दिस थिंग आई मिस्ड मैन। वीडियोग्राफी यहाँ पे देखो, दिस दूरी फिर भी तू है। सी ऊपर वॉइड डांस कर रहे, नीचे वो बंदी डांस कर रही। यार मैंने ये मिस कर गया था, अचानक मेरा उधर नोटिस गया यार। मतलब कॉन्सेप्ट वीडियो के पीछे जिसके भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए शाउट आउट मैन, उसके लिए शाउट आउट। मेरे सामने ना रोए कभी आंसू बहने लगे, सारे दर्द यहाँ तुम सहने लगे, कहने लगे तुम हो ठीक बट योर हार्ट इज सो वीक, तो लोगों का था घर पर अकेले रहने लगे। दो लोगों का था घर पर अकेले रहने लगे, जब हम साथ रहते थे हम दोनों का ये घर था, पर मैं अब अकेले रहने लगा यार। हार्ड बार्स मैन। हो ठीक बट योर हार्ट इज सो वीक, तो लोगों का था घर पर अकेले रहने लगे यार। जिसको ज्यादा चाहने लगूं उसको दूर कर दूं, मुझसे ही नफरत करने के लिए मैं मजबूर कर दूं, पर कल जब मेरा दिल तोड़ के वो जाएगी उस पे भी एक गीत लिख के मैं मशहूर कर दूं। ओपी मैन ओपी, जब कल वो मेरा दिल तोड़ के वो मुझे जाएगी उस पे भी ये गीत लिख के उसको मशहूर कर दूं। मैन बार्स। दिल तोड़ के वो जाएगी उस पे भी ये गीत लिख के मैं मशहूर कर दूं। जितना प्यार तूने दिया कोई भी नहीं देगा, बारिश में मैं जब खड़ा अकेले साथ नहीं भीगेगा, बट यू नो ओनली यू नो हाउ मच आई लव द रेन। बहुत महंगा हो चुका है ये दिल, अब नहीं बिकेगा। बहुत महंगा हो चुका है ये दिल, अब नहीं बिकेगा, एक बार जो तेरे पीछे चला गया ये अब किसी और के पास नहीं जाएगा, ये दिल अब बिकने वाला नहीं। हार्ड लिरिक्स मैन, हार्ड लिरिक्स, हार्ड बार्स। बहुत महंगा हो चुका है ये दिल, अब नहीं बिकेगा। आखिरी पल काश तेरे साथ हो, तेरी ही बाहों में आखिरी रात हो, एक दिन मैं भुला दूं यहां सब कुछ, बस तेरा नाम मुझे याद हो। नहीं आई तू मुझे थामने, तेरे बिन मेरा दिल लगा कांपने, जैसे डस लिया मुझे किसी साथ ने। मीलों की ये दूरी फिर भी तू है मेरे सामने। I think he's thinking about all the good times, जो सारे अच्छे समय थे उसके बारे में भाई सोच रहा है। पूरे गाने में he was thinking about her in her imagine, in his imagination, लेकिन actual में वो थी नहीं, it was all just his thinking, I think so. See, now he's all alone. A film by Samrit Sati and Jafar Khan. भाई तो इनके लिए तो shout out देना पड़ेगा, because the videography is of next level, man. रातों को कहती, come back to bed. Wow, man, wow, what a song, यार. First time react कर रहा हूँ Void पे, और क्या ही गाना था, किस गाने पे मैंने react किया, भाई साहब next level, a perfect track in this, मतलब इस गाने को perfect ही बोलेंगे, because the lyrics was good, इस गाने में एक बहुत सही vibe थी, जो पूरे गाने में वो vibe carry करती गई, कहीं वो vibe drop नहीं हुई, the videography, the beat by Exalt Wall, तो भाई, इट्स अ कॉम्बो, ये पूरा एक कॉम्बो था कि मतलब वीडियोग्राफी बहुत सही है, लिरिक्स भी बहुत सही है, भाई ने मतलब प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस भी दोनों का सही था, दैट गर्ल नाम मुझे नहीं पता एंड वॉइड, इन दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस भी सही था, पीछे का बैकग्राउंड, मतलब हर एक चीज मैच कर रहा था लिरिक्स के साथ, बहुत वीडियो के अंदर छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो लिरिक्स के साथ मैचअप कर जा रहे थे, सो दिस थिंग्स जस्ट मेक इट परफेक्ट, सो दिस ट्रैक इज द परफेक्ट ट्रैक। नाउ लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम द ईपी, अगर आ गया तो मुझे बता देना कि कौन से ट्रैक पे मैं रिएक्ट करूं, उसी ट्रैक पे तुम्हारा भाई रिएक्शन लेके हाजिर आ जाएगा। तो चलो, अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हारा भाई थोड़ा ग्रो कर पाए। तब जल्द मिलते हैं, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।